कि जो आम चुनाव होने हैं उनको लेकर विपक्ष पर केंद्र सरकार ताबड़तोड़ ईडी, सीबीआई, आईटी और अन्य एजेंसियों से कार्य करा रही है। तो दोस्तों इस चीज़ के दो पहलू हैं, यानी कैसे ना कि एक सिक्के के दो पहलू, तो मैं यहाँ दो पहलू का जिक्र करना चाहूँगा। एक सिक्का तो ये कहता है कि जिन नेताओं पे, जिनका विपक्ष का हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि इन पे ताबड़तोड़ छापे हो रहे हैं, तो दोस्तों ये बात सही है, अगर छापे पड़ रहे हैं तो जहाँ कुछ ना कुछ होता है तो वहाँ कुछ ना कुछ तो ज़रूर होता है। अब मान लीजिए ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं तो भाई आपने कुछ ना कुछ तो किया होगा, अगर कुछ नहीं किया है तो आप कोर्ट चले जाइए। भाई अगर आपके, जैसे मान लीजिए अभी एक उदाहरण ले लेते हैं, आम आदमी पार्टी के दो कद्दावर मंत्री इस समय जेल में हैं। अभी हाल ही में मनीष सिसोदिया जो शराब नीति बनाई थी उसको लेके जो है अभी उनको जो है सीबीआई ने रेड डाली थी, उसके बाद में धीरे करके ईडी भी कूद गई और उनको जो है जेल में बंद कर दिया और उनको जमानत भी नहीं मिल रही है। अब इसी सिलसिले में केसीआर की बेटी कविता का भी नाम आ रहा है, जो कि आज ईडी ने उसको पकड़ा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सिक्के का एक पहलू है वो ये कहता है कि अगर जांच हो रही है तो इन नेताओं को आखिर ऐसी क्या दिक्कत हो रही है, भाई जाँच हो रही तो होने दो, आपने जब कुछ किया ही नहीं है तो फिर मतलब जांच से डरना क्या, सांच को आँच नहीं। अच्छा दूसरा पहलू यहाँ बोलना ज़रूरी है, नहीं तो लोग मुझे एक पक्ष ही समझना शुरू कर देंगे। दूसरा पहलू ये कहता है मेरा कि जहाँ 2024 का इलेक्शन आ रहा है तो कोई भी सरकार हो, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा विपक्ष द्वारा कि भाई चलो हम तो दूध के धुले नहीं हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी दूध के धुले, इनके नेताओं पे भी कई सारे चापे और वो जब आप बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो वाशिंग मशीन जैसा हाल हो जाता है इनका कि भाई वाशिंग मशीन में साफ हो गए, दाग धुल गए, तो इसको लेके वो बार बार चिंतित रहता विपक्ष, ये भी बात सही है। तो सिक्के का दूसरा पहलू ये कहता है कि मोदी सरकार, ये तो ज़रूर है कि जानबूझकर 2024 से पहले इन सभी पार्टियों के समीकरण को गड़बड़ करना चाहती है ताकि अपनी तैयारी ना कर सके, क्योंकि यही इसी में डिस्टर्ब रहेंगे तो चुनाव के खाक लड़ेंगे। अभी 2023 का लास्ट अभी शुरू, मतलब ये समझिए मार्च का महीना चल रहा है, तो अभी बचा ही कितना समय। तो ये बात बिल्कुल सही है कि मोदी विपक्ष को जो है एक तरीके से साफ करना चाहते हैं, उनको उसी उलझाने में लगे रहना चाहते हैं कि इसी उलझे में रहें और मेरा रास्ता साफ हो जाए। अब ये तो देखने वाला समय बताएगा कि दोनों सिक्के के पहलू जो मैंने आपको बताया दर्शकों को कितने सक्सेस होते हैं, क्या मतलब निकलता है। और मोदी जी जो कि 2024 से पहले आम जैसे आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है और अन्य पार्टियां हैं, उनको मटियां मेट करने पर तुले पड़े हैं, तो देखते हैं कि मोदी जी की नीति कामयाब होती है कि नहीं होती है। जय हिंद दोस्तों।